अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कीमा की रेसिपी। प्याज लिए हमने दो मीडियम साइज़ के, टमाटर भी हमने दो मीडियम साइज़ के लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है, कीमा हमने एक किलो लिया है, हल्दी ली है हमने 1 टीस्पून, लाल मिर्च ली है हमने 1.5 टीस्पून, नमक लिया है हमने 1.5 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून, गरम मसाला लिया है हमने 1 टीस्पून और दादर मिर्च लिया है हमने 1/2 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट लिया है हमने 2 टीस्पून, अदरक का पेस्ट लिया है हमने 2 टीस्पून, हरी मिर्च लिए हमने 3 अदद लिए हैं जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, और दही लेना है हमने 5 से 6 टीस्पून। इसके अंदर कीमा, लहसुन, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर प्याज, लाल मिर्च, हल्दी और नमक भी ऐड कर देंगे, बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे भुनाई के वक्त। अब हम इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। कुछ लोग पहले इसको भून कर फिर इसको गलने के लिए रखती हैं, लेकिन हम पहले इसको गालेंगे फिर इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसको बंद कर चूल्हे पर रख देंगे और 20 मिनट लगवाएंगे। हमने प्रेशर को बंद करके चूल्हे के ऊपर रख दिया है। हम इसको 20 मिनट के बाद, हमारा टाइम पूरा हो चुका है कीमे का, इसको खोल लेते हैं। हम इसके नीचे अब तेज फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसके पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर देंगे। इसके अंदर हमने घी भी अभी ऐड करना है ताकि ये साथ साथ फ्राई हो जाए। इसके अंदर हमने 1 कप घी ऐड कर लिया है, इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। इसको तेज फ्लेम पर हम भून लेंगे। अब ये मसाले भी हम अंदर ही डाल देंगे ताकि इसके जायका भी साथ ही अंदर हो जाए। इसको फ्राई करेंगे। जब हमारा पानी थोड़ा रह जाएगा तो हमने फ्लेम हल्की, कीमा बुना जा चुका है। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। हमने अब इसके अंदर दही ऐड कर दिया है, इसको थोड़ी देर तक भून लेंगे। फिर धनिया ऐड कर देंगे, मसाला ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे डिश आउट कर लेंगे। गार्निश के लिए हम ऊपर